हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट गेमिंग वर्ल्ड। और आज हम लोग खेलने वाले डार्क डिसेप्शन। ये एक रिव्यू वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डार्क डिसेप्शन जो गेम है वो फ़ोन में कैसा है, पीसी में कैसा है। एक कंपैरिजन वीडियो होगी, साथ में आपको इसमें ग्राफिक्स के बारे में पता चलेगा और बहुत कुछ पता चलने वाला आपको। मैं इस गेम को खेलने वाला भी हूँ। आप जो सामने गेम प्ले देख रहे हो वो डार्क डिसेप्शन का ही है जो कि मैं फ़ोन में अभी खेल रहा हूँ। और पीसी से कंपेयर करें तो चलो स्टार्ट करते हैं ऐसे वीडियो। तो पीसी से अगर हम कंपेयर करेंगे इस गेम को, तो ये जो गेम है ये पीसी के मुकाबले जो है इस गेम के ग्राफिक्स जो है फ़ोन में आपको कम मिलेंगे। साथ ही साथ ये 2D गेम बन जाएगा। 2D मतलब 2D वाला गेम, और पीसी में ये 3D गेम रहेगा यानी 3D वाला गेम, यानी आप 3D में खेल सकते हैं। और आप जो है फ्रंट पर्सन मोड में आप खेलोगे इसे पीसी में जब आप खेलोगे, लेकिन जब आप इसे फ़ोन में खेलोगे तब आप 2D में खेलोगे। यानी आप इसमें जो है फ्रंट पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन वाले मोड में आप खेलोगे। और साथ ही साथ आप अगर फ़ोन में खेलते हो तो इसमें आपके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। पहली बात तो ग्राफिक्स बहुत ख़राब है। हाँ, माना कि जो फ़ोन में होते हैं ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं मिल सकते हर गेम के, फिर भी आर्क सर्वाइवल इवॉल्व जैसे जो गेम होते हैं वो गेम जो है उनके ग्राफिक्स अभी भी बहुत अच्छे हैं, जबकि वो फ्री हैं और उनका साइज़ भी थोड़ा ज़्यादा है। भले फिर भी उनके ग्राफिक्स अच्छे हैं जबकि फ़ोन में, और वो फ्री भी है, फिर भी डार्क डिसेप्शन का इन लोगों ने नेम चेंज कर दिया है। पीसी में आप खेलोगे तो डार्क डिसेप्शन होगा, फ़ोन में आप खेलोगे तो सुपर डार्क डिसेप्शन होगा। लेकिन और जो ग्राफिक्स के साथ बहुत इन लोगों ने छेड़छाड़ की है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ग्राफिक्स जो है वो अच्छे होने चाहिए किसी भी गेम के, वो भी अब जब 2023 चल रहा है तब। तो इसी के साथ साथ जो है गेम बाकी सब तो ठीक है, इसमें आपके कुछ डिसएडवांटेज है जैसे कि ग्राफिक्स और 2D वाले, दो डिसएडवांटेज आप कह सकते हो। लेकिन एडवांटेजेस भी हम अगर देखें तो ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि एडवांटेज जो है हमें इसमें एक मिलता है कि इसमें हम फर्स्ट पर्सन मोड में नहीं खेल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हम पूरा मैप देख सकते हैं। और जब इसमें कोई भी एनिमी आ रहा है, मैंने जैसे अभी खेला है तो आप मेरे को पता चल रहा है कि कोई भी एनिमी आ रहा है इसमें, तो फिर हमें ऑलरेडी पता चल जा रहा है वो कौन सा डायरेक्शन से आ रहा है। लेकिन हाँ, इसके ग्राफिक्स जो है वो अच्छे नहीं है, इसकी वजह से ये गेम सही नहीं लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द पीसी। एक पीसी में अगर हम इसे खेलेंगे तो ये बहुत ही हॉरर गेम होने वाली है, लेकिन ये फ़ोन में खेलने पे एक बहुत ही बच्चों की गेम लग रही है। लेकिन फिर भी ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबको तो गेम पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड।